हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के फिजिक्स की बात करेंगे। जनरली आपके साइंस में तीन पार्ट होता है। पहला है आपका केमिस्ट्री, आपके बुक के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। और एक और पार्ट है जिसे कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर या इन्वायरमेंटल टॉपिक के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम क्लास 8 के साइंस की बात करें, साइंस के बुक की बात करें, तो अगर इसे मैं चार पार्ट में कैटेगराइज करूं तो केमिस्ट्री मिलेगा आपको पढ़ने को, बायोलॉजी के सेक्शंस मिलेंगे पढ़ने को, फिजिक्स के सेक्शंस मिलेंगे आपको पढ़ने को, और आपको इन्वायरमेंटल का सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आप अपने सोलर सिस्टम और स्टार्स को जानेंगे, आप पॉल्यूशन को जानेंगे, आप नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स के ही बात करेंगे। तो क्लास 8 के फिजिक्स में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है आपके सामने, पहला है आपका फोर्सेस एंड प्रेशर, फिर आपको पढ़ना है फ्रिक्शन, फिर आपको पढ़ना है साउंड, फिर आपको पढ़ना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपको पढ़ना है लाइट। तो जो आपका ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इससे रिलेटेड एक आपका असाइनमेंट टाइप कह लीजिए या प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट कह लीजिए, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में रिफ्लेक्ट करूंगा, जिसे आप पॉज करके नोट डाउन करेंगे और उसका सलूशन मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर फोर्सेज एंड प्रेशर की। तो फोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिंपल सा, आपको जब भी फोर्स की बात की जाती होगी तो आपके जहन में बस एक ही बात ध्यान में आती होगी कि या तो हम पुश कर रहे हैं या तो हम पुल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन क्या यही डेफिनेशन फोर्स के लिए मोर देन सफिशियंट है कि हम फोर्स को किसी और टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं? तो फोर्स को समझने के लिए आपको अपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ मोशन थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। तो थोड़ा सा मोशन पे हम बात करेंगे, फिर वापस से हम लोग फोर्स पर आ जाएंगे। तो मोशन में क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, मोशन को पढ़ते समय आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा डिस्टेंस की, आप लोगों ने बात की होगी डिस्टेंस। सिंपल सा डिस्टेंस का डेफिनेशन आपने समझा होगा। इससे कंसर्न वीडियोस को समझने के लिए, डिस्टेंस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जो क्लास 7 का भी पढ़ा हुआ है वीडियो, उस क्लास 7 की वीडियोस को भी देखिए कि क्लास 7 में हमने मोशन के बारे में डिटेलिंग में बात की है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिटेलिंग में बात की है। यहाँ पर जस्ट हम एक रिविजन में यानी कि एक रिकॉलिंग लेकर चलेंगे। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सा चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट विद इन द फिक्स पैसेज ऑफ टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे सिंपल सा अगर हम बात करें कि ये कोई मिस्टर ए हैं, हम अपना एक मिस्टर ए लेकर चलेंगे, ठीक है, जो कि पूरे एंटायर फिजिक्स में हमारे लिए हमारे ऑब्जर्वर का काम करेंगे, कभी हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, कभी ये हमारे लिए हमारे क्या कहेंगे एनालिटिक बन जाए, एनालिसिस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टर ए अपने घर के बाहर खड़े हैं और इनको घूमने जाने का मन कर रहा है। ये कहीं भी जा सकते हैं, अपने घर के पीछे, अपने घर के आगे, दाएं साइड में या फिर बाएं साइड में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज डिफाइन एज द डिस्टेंस। उसके बाद आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में डिस्टेंस के डिफिनेशन में अगर हम डायरेक्शन को बाउंड कर दें, अगर हम ये कह दें कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो हम बात करने लगते हैं डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ डायरेक्शन से ही लेना देना है या कुछ और भी बात है? तो डायरेक्शन तो भाई आपका नॉर्थ साइड से भी हो सकता है, आपका साउथ साइड से भी हो सकता है, ईस्ट साइड में भी हो सकता है और आपका वेस्ट साइड में भी हो सकता है। तो यस, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन स्पेसिफिक, ये तो बात हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई थी। आपने ये कहा कि लेट अस सपोज इनको पी से लेकर क्यू तक की दूरी तय करनी थी। अब ये पी से क्यू की दूरी आपका पाथ आर, पाथ एस और पाथ टी, इन तीनों में से किसी भी पाथ से फॉलो कर सकते हैं, आर एस और टी से। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा
जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया आपका ये S, ये S शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन P एंड Q। इस शॉर्टेस्ट लेंथ के अलावा जो भी लेंथ है वो सारे लेंथ आएंगे इन द कैटेगरी ऑफ द डिस्टेंस, बट ये शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा ये आएगा इन द कैटेगरी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ या पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अलग अलग बुक में हो सकता है डेफिनेशन की लैंग्वेज अलग अलग हो, लेकिन मेन थीम इसका यही है। ये तो बात ठीक हो गई। अब फिर हम आपने समझा होगा स्पीड को, तो स्पीड के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो बात यहां पे भी फिर से वही आ जाती है कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होंगे आर्बिट्री डायरेक्शन की, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होंगे इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन की। तो पहली बात तो ये कि अगर ये मिस्टर ए को यहां से मूव करना है तो ये ऐसे हवा में तो मूव करेंगे नहीं, इनको अपना पैर उठा के आगे बढ़ाना होगा। ये जो पैर उठाने के लिए ये जो ताकत लगा रहे हैं, ये आप यहीं पे बोल रहे हैं फोर्स। अब यहां पर कौन किसको पुश कर रहा है, चलिए और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे आपस में रस्साकसी का खेल खेल रहे हैं, यहां पर कौन किसको पुश कर रहा है। आप अपने बुक को टेबल पर रखे हुए हैं, टेबल पर रखी हुई बुक में टेबल बुक को पुश कर रही है, बुक टेबल को पुश कर रही है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बुक टेबल को दबा रही है। आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने में क्या पुश हो रहा है और क्या पुल हो रहा है। आप जब मैं इसको ऐसे उछाल रहा हूं, यहां पर क्या पुशिंग है और क्या पुलिंग है, क्या हमेशा पुश और पुल का होना जरूरी है। तो आप बचपन में अपने छोटे टाइम में अभी भी आप खेल खेलते होंगे, दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे खेलते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ ये फोटो की दो लड़कियां हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रही हैं। तो क्या यहां पर कोई पुश और पुल दोनों हो रहा है, तो नहीं, यहां पर दोनों ही एक दूसरे को खींच रही हैं। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक डायग्राम है जिसमें किसान अपने बैल को खींच रहा है और बैल किसान को खींच रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पुशिंग का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब पुश होगा तो पुल होगा ही होगा, कि ऐसा जरूरी है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर जाना होगा कि क्या ये एग्जैक्टली में होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे चैप्टर के एंड में। अभी हम लोग आपके फोर्स के बारे में बात करते हैं कि फोर्स है क्या। तो फोर्स के लिए आपको सिंपल सा डेफिनेशन मिला कि एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी तरह का पुश और पुल आप फोर्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या फोर्स है तो ये मोशन होगा ही होगा, जरूरी है। अगर ऐसा है तो किस कंडीशन में मोशन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो किस कंडीशन में मोशन नहीं होगा। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक टेबल है और इस टेबल पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का अपना कुछ मास होगा, ठीक है। अब आप एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं F1, और आपका फ्रेंड या कोई एक और पर्सन फोर्स लगा रहा है इधर से F2, ठीक है। तो ये फोर्स एक इधर से इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से इधर लग रहा है। अब ये ब्लॉक इस साइड को मूव करेगा राइट साइड को या लेफ्ट साइड को, ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों फोर्सेस के ऊपर कौन ज्यादा बलवान है। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं एक नेट फोर्स की, F नेट की हम बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F नेट, F नेट इज नथिंग बट F1 प्लस F2। तो आप कहिए कि सर ये तो आप जोड़ रहे हैं, और जोड़ने का मतलब तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर बात आती है माय डियर डायरेक्शन की, कि अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड को, इसका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड को, राइट को अगर हम पॉजिटिव मान लें और लेफ्ट को अगर हम निगेटिव मान लें, तो ये जो आपका डेफिनेशन है ये क्या बन जाएगा, F1 तो प्लस रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ F2, और अब यहां पर आएगा F1 माइनस F2, ये हो गया आपका नेट फोर्स। अब इस F नेट के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो F1 और F2 जब बराबर हो जाएं, मान लीजिए कि दोनों लोग मिलकर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 और F2 जब बराबर हो जाएंगे तो जो आपका F नेट होगा, नेट फोर्स होगा, वो हो जाएगा जीरो, और जब F1
इज इक्वल टू नॉट एफ टू हो जाएगा, तो फिर यहां पर दो केस बन जाएंगे कि अगर एफ वन बड़ा है किससे, एफ टू से, तो जो आपका एफ नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और अगर एफ वन छोटा है एफ टू से, तो जो आपका एफ नेट आएगा वो आ जाएगा आपका लेस देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूवमेंट किधर होगा, राइट साइड में, जब लेस देन जीरो होगा तो मूवमेंट किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो सारा कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, एफ नेट पर कर रहा है। अच्छा, फोर्स आया ही कब, क्या फोर्स ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये एक कार है और इसको एक पर्सन यहां पे खड़ा होके सोचे कि मैं इसको धक्का दे दूं, क्या इस कार को धक्का मिलेगा, क्या ये कार इस रोड पर आगे की तरफ बढ़ेगी, जवाब है नहीं, क्योंकि इस पर्सन को इसको टच करना जरूरी है, इसका इसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है। लेकिन आपने ये केयर किया होगा कि अगर ये एक चुंबक है और यहां पर अगर आपने कोई आयरन बॉल रखी हुई है तो ये आयरन बॉल के लिए आयरन बॉल इधर मूव करने लगेगी, मैग्नेट की तरफ मूव करने लगेगी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यहां पर फोर्स के दो नेचर डिफाइन हो रहे हैं, एक तो कॉन्टैक्ट नेचर और एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट नेचर। तो टाइप ऑफ फोर्सेस की बात हम लोग इस वीडियो के, इस टॉपिक के अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पे जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को समझिए। थोड़ा सा मैं आपको मोशन के ऊपर भी क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चन दूंगा, जो कि मैंने क्लास 7 के वीडियो में बात की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और उस यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस को भी करिए। थैंक यू।